भाजपा के राज्यसभा के लिए घोषित सातों उम्मीदवारों ने किया नामांकन पत्र दाखिल। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। भाजपा के चुनाव प्रभारी पांडा आज लखनऊ पहुंचे। प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनने के बाद यह उनका पहला यूपी दौरा होगा। राज्यसभा प्रत्याशी नामांकन में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी चुनाव प्रभारी पांडा का किया स्वागत। अबुधाबी में अहलान मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, मैं अपने परिवार वालों से मिलने आया हूं, जहां आपका जन्म हुआ उस मिट्टी की खुशबू लेकर आया हूं और 140 करोड़ लोगों को आप पर गर्व है। अबुधाबी में अहलान मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि यूएई ने मुझे अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 और 15 फरवरी को अलग अलग कार्यक्रमों में करीब 317 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। डबल इंजन की सरकार आयुष सेक्टर में आ रहे बदलावों को सामने रखने और आम लोगों के स्वास्थ्य को सशक्त करने के लिए आयुष फॉर वन हेल्थ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य 2024 का आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार काशी आ रहे प्रधानमंत्री, हो अभूतपूर्व स्वागत, सभी समुचित व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के आगामी प्रस्तावित वाराणसी दौरे के दौरान कार्यक्रम को देखते हुए शहर एवं सड़कों पर समुचित स्वच्छता एवं सजावट कराए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के आगामी प्रस्तावित वाराणसी दौरे के कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान सभी जरूरी तैयारी समय से उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिग्रा स्पोर्ट्स स्टेडियम और काशी रोपवे का स्थलीय निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री श्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर प्रत्येक 3 किलोमीटर तथा अन्य मार्गों पर प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर एक फेयर स्टॉप बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मनरेगा कार्यों में प्रयुक्त सामग्री उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि आवास विहीन कच्चे झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास उपलब्ध कराने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। आगरा में 17 फरवरी से ताज महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इसके लिए आज से शहर में कई रास्तों पर बदलाव किए गए हैं। 27 फरवरी तक शहर के रास्ते परिवर्तित रहेंगे। आज बसंत पंचमी के अवसर पर प्रयागराज के संगम तट पर उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, श्रद्धालुओं के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से महासचिव पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लिखा पत्र, पत्र में बयानों को लेकर उठाए सवाल, कहा मेरे साथ क्यों होता है भेदभाव, एमएलसी पद पर अभी बने रहेंगे। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से लोग बड़े अस्पतालों में भी इलाज करवा पा रहे हैं। यूपी में 7 दिन 785 किलोमीटर 13 जिलों से राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी 15 जनसभाएं करेंगे। मदरसा बोर्ड की परीक्षा जिले में 11 केंद्रों पर 2 पालियों में शुरू होगी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और नकल पर सख्ती का नतीजा रहा कि पहले ही दिन 733 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी।